हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टू ब्रो गेमर्स अगेन। तो गाइस, आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप सभी गिल्ड फ्री फायर में कैसे बना सकते हो। सो वीडियो फुल देखना। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पे आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देख कर चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करता। ठीक है, तो गाइस आप लोग मतलब अच्छे हो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो चलो गाइस यहाँ पे आपको बताते हैं गिल्ड कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, बहुत सारा ऑप्शन। ठीक है, इधर इसमें आपको यहाँ पे किंग वाले पे क्लिक करना होगा, किंग वाले पे बॉक्स पे क्लिक करना होगा। एंड गाइस यहाँ पे बहुत सारा गिल्ड ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आप सर्च करते हो अपने गिल्ड का आईडी, तो मतलब जैसे कि मेरा गिल्ड का है 100 56 98 152, ये गिल्ड का आईडी है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे अगर मैं उस गिल्ड को करता हूँ, देखो यहाँ पे ज्वाइन, तो वो अप्रूवर होगा, मतलब मैंने रिक्वेस्ट भेज दिया है। ठीक है, सो गाइस ऐसे ही अगर आप गिल्ड बनाना चाहते हो तो आपको मैं बताता हूँ कैसे बना पाओगे प्रो लेवल का एकदम से गिल्ड। तो गाइस यहाँ पे आपको देख रहा होगा क्रिएट गिल्ड पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको कुछ फॉर्म जैसा मिल गया है। ठीक है, अगर आप डायमंड से करना चाहते हो तो आपको 1000 डायमंड चाहिए, अगर आप क्वाइन से करना चाहते हो तो 5000 चाहिए। ठीक है, तो गाइस आपको यहाँ पे सबसे पहले नेम लिखना पड़ेगा, तो जो भी नेम लिख लो, यहाँ पे लिखता हूँ TBG आर्मी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ TBG आर्मी। ओके, चलिए यहाँ पे TBG आर्मी नेम लिख लिया मैंने। एंड गाइस यहाँ पे रीजन में आपको क्या करना है, अगर आपको मतलब कैरेक्टर वाला या भी जो भी रीजन में रखना चाहते हो, जो भी बंदे के जावा को जो भी, तो आपको रीजन को जो है वो डिफॉल्ट पे रख देना है। एंड जो स्टाइल्स है उसको आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे रैंकिंग जो आप मतलब जो रैंक पुश करता है या क्लासिक या जो भी है, इसको भी आपको डिफॉल्ट रख देना है। एंड गाइस इसको क्या करना है, अप्रूवल पे क्लिक कर देना है, क्योंकि मतलब अपने फ्रेंड लोगों के पास लाना चाहते हो तो अप्रूवल पे रखना। ठीक है, इसको अप्रूवल पे कर देना। एंड गाइस पहले ऑटो पे कर देना, ठीक है, ऑटो पे रहने देना। उसके बाद यहाँ पे लेवल अप, अगर आपने अपने गिल्ड में आप 50 लेवल से ज़्यादा या फिर 40 लेवल से ज़्यादा या फिर 30 लेवल से ज़्यादा या फिर 20 लेवल से ज़्यादा या फिर 10 लेवल से ज़्यादा मतलब लेवल वाले बंदे को रखना चाहते हो, तो यहाँ पे आप जो भी चाहो लगा सकते हो। मेरे गिल्ड में अभी मैंने सेटिंग कर दिया, तो 20 लेवल से ज़्यादा ही बंदे रख सकते हैं, मतलब 20 लेवल का जो बंदा है वही रख सकता है, और कोई नहीं रख सकता। ठीक है, तो मैंने 20 रख दिया। ठीक है, अब रैंकिंग रैंक का बात करें तो रैंक में आप सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, हीरोइक जो भी चाहो वो कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने गोल्ड पर रख दिया, जो बंदा गोल्ड पर रहेगा वही आएगा इस गिल्ड में। ओके, और यहाँ पे आपको लास्ट वाले सेक्शन में आपको क्या लिखना है, वेलकम टू माय गिल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ WLC। ठीक है, WELC वेलकम। ठीक है, वेलकम लिख देना है। एंड गाइस यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, जो कॉइन्स वाला है बटन उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे दिखा रहा है गिल्ड नेम करंटली गए, मतलब स्पेच जैसा थी, हाँ इसमें स्पेच है गिल्ड में। ठीक है, इसलिए नहीं हो रहा, तो आप स्पेच मत देना, स्पेच बिना स्पेच के करना। तो गाइस यहाँ पे मेरा बन चुका है TBG आर्मी। एंड गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो गिल्ड है गाइस, कतई जहर कोई भी बंदा देखेगा तो भाई सब एकदम से कतई प्रो वाला देखेगा। देख रहे हो वेलकम सीजन में या फिर नोटिस में, ये भी जो भाई नोटिस में ना, नोटिस में आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद आपको गिल्ड प्रो पे जाकर यहाँ पे नोटिस में लिख सकते हो कुछ भी, आप जो भी लिखना चाहते हो। प्लीज़ मतलब जो भी है सब्सक्राइब माई चैनल, ये भी लिख सकते हो सब्सक्राइब माई चैनल, जो भी मतलब लिखना चाहते हो लिख सकते हो बस। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मैंने लिख दिया 20 सब्सक्राइब माई चैनल, देख रहे हो यहाँ पे लिखा गया। एंड इसके बाद आपका गिल्ड जो है एकदम ओपी लेवल का हो जाएगा, एंड आप एकदम से गिल्ड में अगर गिल्ड में इनवाइट करना चाहते हो किसी मेम्बर को यहाँ पे गिल्ड का रिक्वेस्ट आता है। ठीक है, यहाँ से आप एक्सेप्ट कर सकते हो किसी का। ठीक है, और गिल्ड डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, बट आप किसी को लीडरशिप दे सकते हो तब। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देना।